ओके तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाइल लूप का कैसे यूज होता है और व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, फॉरवर्ड लूप क्या होता है। ठीक है, अब हम अगले लूप की बात करते हैं जो कि है फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का हम पहले सिंटैक्स देखेंगे कि व्हाइल लूप से कैसे ये डिफरेंट है। ठीक है, फॉर लूप का अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो फॉर, ठीक है, फॉर कीवर्ड यूज होगा, कीवर्ड यूज करने के बाद फिर यहां पे इनिशियलाइजेशन पार्ट आएगा, इनिशियलाइज। ठीक है, फिर यहां पे सेमी कॉलन यूज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद क्या यूज होगा, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या, लूप काउंटर। ठीक है, ये होगा और फिर वही लूप की बॉडी होगी और उसके बाद लूप क्लोज हो जाएगा। यहां पर जो ये फॉर है उसे कीवर्ड कहते हैं, ठीक है, ये कीवर्ड है तुम्हारा, जैसे व्हाइल कीवर्ड था वैसे ही ये कीवर्ड है। जब भी हमारा कंट्रोल एग्जीक्यूशन के लिए जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं, कंट्रोल जब हमारा फॉर पे आता है तो फॉर देखते ही वो ये समझ जाता है कि अब लूप स्टार्ट होने वाला है, उसी हिसाब से वो अपना इसको एग्जीक्यूट करता है। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या होता है फॉर लूप का। तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए हम देखेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होता है। फॉर लूप के पास आएगा, उसके बाद जो भी हमारा लूप काउंटर अब बन कर रहे होंगे उसे इनिशियलाइज करेगा, पहला काम इनिशियलाइज करना। ठीक है, दूसरा काम इनिशियलाइज करने के बाद फिर यहां से आता है, दूसरा काम होता है इसका कंडीशन चेक करना, कंडीशन अगर ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो क्या करेगा, फिर ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड काम इसका ये होता है कि बॉडी एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। तो फोर्थ वर्क होता है इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप काउंटर। ठीक है, ये चौथा काम जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देता है उसके बाद ये आता है फिर कंडीशन चेक पर। फिफ्थ काम होता है इसका कंडीशन चेक करना। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ऐसे बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये आता रहेगा। दैट मींस इनिशियलाइज सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद सारा लूप ऐसे चलेगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, ये कंट्रोल जो है हमारा इस लूप के बाहर आ जाएगा और यहां पे जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करने लगेगा। ठीक है, तो यही है इसकी प्रोसेसिंग। ठीक है, ऐसे ही ये डिफरेंस है इनसे व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज करते थे लूप के बाहर, उसके बाद लूप के अंदर कंडीशन चेक करते थे और फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो लूप के अंदर जाके बॉडी एग्जीक्यूट करते थे, उसके बाद उसी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम होता था, फिर हम कंडीशन चेक करते थे। ओके, तो इसमें भी काम वही है, फ्लो चार्ट सेम बनेगा जैसे व्हाइल लूप में था वैसा ही इसमें होगा, बस अंतर क्या होगा कि फॉर लूप में इनिशियलाइज उसी फॉर लूप में ही होता है, उसी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं और एक कंडीशन देते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि इस फॉर लूप के तीन पार्ट हैं, पहला इनिशियलाइज, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप काउंटर। ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा
दो सेमी कॉलन होंगे ही होंगे, फॉर लूप में दो सेमी कॉलन होंगे ही, और आपको इसके बाद सेमी कॉलन नहीं लगाना है, जैसा कि हम लोगों ने व्हाइल लूप में देखा था, यहां सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो फॉर लूप में ऐसा करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह करके देखते हैं, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा जो प्रोग्राम बनाओगे या बहुत सारा वर्क जो इंडस्ट्रीज वगैरह में भी होता है, एरे का यूज करके करते हैं हम लोग। तो एरे को जब भी हम प्रिंट करना हो या एरे में कुछ भी करना हो, हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। इसलिए फॉर लूप सही से समझ लो। हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं कि हमें 1 to 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब फॉर लूप की अगर वैरायटीज देखें, तो अब नंबर प्रिंट करने से इस वाले एग्जांपल को लेके हम तरह तरह के अलग अलग फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बट आउटपुट सेम आएगा, ठीक है, तो सब कवर हो जाएगा इसमें। तो देखते हैं, 1 से 10 नंबर प्रिंट करना है, प्रोग्राम पहला बना के देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मेन तो सब में होगा ही, मेन, उसके बाद इंट आई लिया है, बट यहां इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। फिर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर पहली चीज क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू लेट्स से 1, ओके, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे क्या, i लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। फिर हम तीसरी चीज क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो यहां पे चाहे आप ऐसे लिखो i इज इक्वल टू i प्लस 1 या फिर लिखो i प्लस प्लस, ठीक है, तो हम अभी i प्लस प्लस लिख के चल रहे हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट वाला जो था i प्लस प्लस, यही जनरली सभी लोग लिखते हैं, ठीक है। i प्लस प्लस का कोई यहां पे और कुछ भी मीनिंग नहीं है, सिंपल मीनिंग है i प्लस 1, सिंपल ये मीनिंग है, ठीक है, तो हम i प्लस प्लस लिखे चल रहे हैं, यहां पर इसका ये मीनिंग बनेगा, ठीक है। बाकी पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे क्या हो रहा था वो हम सब पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, फॉर लूप लिख लिया, अब उसके बाद अंदर बॉडी लिख रहे हैं, क्या करेंगे हम, अंदर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ क्या, परसेंट डी, क्या प्रिंट करा रहे हैं, आई की वैल्यू और क्लोज। अब देखो ये कैसे काम करेगा फॉर लूप हमारा, वो देखते हैं। ओके, इनिशियली हमारा कंट्रोल मेन में आएगा, मेन के बाद यहां आएगा, इंट आई का मतलब क्या होगा, आई नाम का एक वेरिएबल होगा जो मेमोरी को होल्ड कर रहा होगा, मान लो उसका एड्रेस 100 है, ठीक है, यहां इसका मतलब ये हो गया। फिर कंट्रोल हमारा फॉर लूप में आएगा, फॉर लूप देखते ही समझ जाएगा लूप स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले वो पहले सेमी कॉलन की तरफ जाएगा, यहां आने के बाद देखेगा आई को 1 इनिशियलाइज कर दिया गया है, तो 1 यहां पे हो गया। फिर वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, तो जब कंडीशन पहले यहां आया, यहां के बाद फिर कंडीशन चेक किया, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो क्या होगा, बॉडी में आ जाएगा लूप, कंट्रोल जो हमारा बॉडी में आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट करने का मतलब है क्या प्रिंट हो गया, 1 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद लूप के अंदर फिर वापस जाएगा, कहां, जैसा कि हमने अभी बताया था कि यहां के बाद लूप फिर यहां जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे, तो यहां आएगा तो क्या करेगा, आई प्लस प्लस मतलब आई को 1 बढ़ा देगा, तो जो 1 था अब क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है, अब 2 हो गया। 2 होने के बाद फिर क्या करता है, ये कंडीशन चेक करने आता है, अगला काम है
कंडीशन चेक करने आना, तो फिर क्या करेगा, क्या टू यहाँ पे क्या मतलब हो गया आई का, आई का मतलब हो गया टू, टू क्या दस से छोटा है, यस छोटा है, तो क्या करेगा प्रिंट कर देगा क्या आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो गई है टू, तो अगला प्रिंट हो जाएगा टू, प्रिंट करने के बाद फिर से प्लस प्लस कर देगा तो यहां थ्री हो जाएगा, ठीक। अब थ्री हो जाएगा तो थ्री फिर क्या चेक करेगा कंडीशन, थ्री लेस देन टेन, यस तो थ्री को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, मान लो नाइन हो गया, आई प्लस प्लस किया नाइन हो गया, अब नाइन चेक किया क्या नाइन लेस देन टेन है, यस तो क्या प्रिंट कर देगा नाइन, इस तरह ये प्रिंट करता हुआ जाएगा और नाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। नाइन होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट करेगा और क्या आ गया टेन, फिर यहां जाएगा टेन कर दिया, टेन के बाद फिर टेन लेस देन इक्वल टू टेन, यस तो क्या करेगा टेन प्रिंट कर देगा, ओके टेन प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट करने जाएगा और टेन को क्या कर देगा इलेवन कर देगा, इलेवन हो गया। अब इलेवन चेक करेगा क्या इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन है, कहेगा नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर यहां नहीं आएगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्यों, क्योंकि 11 हो गई है आई की वैल्यू, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये प्रिंट नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद और जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर लूप से ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है हमारा फॉर लूप, और इस तरह से 1 से 10 हम नंबर प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये फोकस करेंगे कि हमारा ये तो सिंपल फॉर लूप हो गया, अब इनमें क्या चेंज किया जा सकता है, यहां यहां क्या चेंज हो सकता है कि जो आप जब आपसे आउटपुट निकलवाएगा ना एग्जाम में, तो इसमें इनमें थोड़ा सा चेंजेस करेगा और आपको कंफ्यूज करेगा, तो वो देख लेते हैं क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है और क्या क्या सही है। आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे यही सिंपल वे यूज करेंगे, बट अगर आपसे आउटपुट वगैरह निकलवाएगा तो आप कैसे करोगे वो वेरिएशंस देख लो फॉर लूप में क्या है। तो पहला एक चीज देखते हैं कि हम जैसे बता रहे हैं कि फॉर लूप जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ये हो गया फॉर लूप। इसमें पहला जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, दूसरा कंडीशन वाला पार्ट है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, और ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये तीनों ही कोई भी एक्सप्रेशन, वैलिड एक्सप्रेशन या कह सकते हो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या वेरिएशंस इसमें हो सकती हैं जिससे कि ये कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक, और हमारा 1 टू 10 प्रिंट करेगा। देखो कैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, कि कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है यहां पे, इसका क्या मतलब है देखते हैं। हमें 1 टू 10 प्रिंट करना है, ठीक है, वही आउटपुट लाना है, 1 टू 10 करना है। प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, मान लो ये हमारा मेन हो गया, ठीक है, ओके ये हमारा मेन हो गया। मेन के बाद फिर हमने क्या किया इंट आई, ठीक है, ये भी सही है। फिर हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में क्या किया इनिशियलाइज कर दिया, आई को क्या कर दिया वन कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया आई कंडीशन लगा दी कि आई लेस देन इक्वल टू टेन हो, ठीक है। फिर क्या किया उस क्या दे देगा प्रोग्राम में कि एक सेमी कॉलन लगाएगा और इसके बाद कुछ नहीं लिखेगा, उसके बाद इसे क्लोज कर देगा और यहां पे प्रिंट करा देगा, क्या प्रिंट कराएगा परसेंट डी, ठीक है, कॉमा आई, आई की वैल्यू प्रिंट करा दी उसने। वो प्रिंट कराने के बाद जो अगला काम करेगा वो करेगा क्या करेगा इंक्रीमेंट यहां पे कराएगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और इसको क्लोज कर देगा, ठीक है,
ये काम करेगा। अच्छा अब आप कहोगे कि ये हमारा जो फॉर लूप का सिंटैक्स है वो तो गलत है, यहां उसने कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे आउटपुट में एरर दे दोगे, कह दोगे एरर आ रही, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो सिंटैक्टिकल एरर नहीं मानी जाएगी, अभी भी आउटपुट सेम आएगा। बट अगर वो यहां पे सेमी कॉलन अगर नहीं लगाता, ठीक है, अगर वो यहां ये ना करता और सिंपल ऐसे लिख देता सिर्फ दो चीजें, सॉरी सेमी कॉलन होगा यहां पे, दो चीजें अगर सिर्फ वो लिख देता और सेमी कॉलन नहीं लगाता तो ये सिंटैक्स एरर देता, क्योंकि फॉर लूप को जब चेक करता है हमारा कंपाइलर, जब एरर ढूंढता है तो वो देखता है क्या दो सेमी कॉलन है कि नहीं फॉर लूप में, ठीक है, वो दो सेमी कॉलन चेक करता है, उसे सेमी कॉलन मिलने चाहिए भले उसके बाद एक्सप्रेशन लिखा हो या ना हो, वो सिंटैक्स एरर नहीं देगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे काम कर रहा है ये, तो ये बिल्कुल फाइन है, बट ये सेमी कॉलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। कैसे काम करेगा, सेम वैसे ही आई, यहां आई का मतलब क्या हो जाएगा, एक डब्बा बनाया, इनिशियली वैल्यू क्या 1 दे दी इसने 100, ठीक है, वैसे चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस है, तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो यहां आएगा प्रिंटफ के पास और आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा यहां, ठीक है। और फिर यहां इस करने के बाद फिर ये काम करेगा, आई को आई प्लस 1 कर देगा, तो 1 की जगह पे अब 2 हो जाएगा, 2 करने के बाद फिर यहां आएगा, लेकिन उसको यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सिंपली फिर वो यहां आएगा, यहां आएगा चेक करेगा क्या आई, आई अब क्या हो गया है 2, क्या 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, यस छोटी है, तो फिर 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई को आई प्लस 1 कर देगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा जो ये काम इंक्रीमेंट वाला कर रहा था वो वहां ना करके हमने यहां कर दिया, फिर भी कंट्रोल हमारा यहां से यहां जाएगा, अगर यहां उसे कोई भी चीज नहीं मिलती है उसके बाद वो यहां आएगा, ठीक है, तो ये सेमी कॉलन जरूरी है, बाकी काम वही सब होगा, प्रिंट होगा 1 से 10 तक, ओके। एक तो ये वेरिएशन हो गया कि सेमी कॉलन के बाद इंक्रीमेंट नहीं दिया, दूसरा क्या वेरिएशन हो सकता है, अब मैं उसको पूरा प्रोग्राम करके नहीं दिखा रहा हूं, बस वो सिंटैक्स लिख के दे रहा हूं कि जैसे फॉर लूप लगाया, ओके, हमने इंट यहां लिखा, इंट आई इज इक्वल टू 1, मान लो अगर हमने आई को यही इनिशियलाइज कर दिया और जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था उसे स्किप करके सेमी कॉलन लगाया, फिर कंडीशन लगा दी कि हमारा जो आई है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, ओके, फिर यहां पे हमने मान लो कंडीशन इंक्रीमेंट क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, तो कितनी चीजें हो गई, 3, ये 3 चीजें हो गई, 2 सेमी कॉलम है, ठीक है, यहां पे सिंपली क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई, प्रिंट कर दिया, बस इतना कर दो, तो अभी भी प्रोग्राम हमारा आउटपुट सेम देगा, क्यों, इनिशियली जो इनिशियल आई वाला पार्ट था इनिशियलाइज करने वाला वो उसने वही इनिशियल ही कर दिया ऊपर ही, और मान लो इसका 100 है, ये चीज पहली बार आएगा यहां पे आया उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला तो आई को आई ही 1 जो पहले था 1 ही रहने दिया, आई लेस देन 10 चेक किया, 1 लेस देन 10 होता है, उसके बाद वो यहां आएगा, सेम प्रोसेस चलेगा, पहले एग्जीक्यूट किया फिर यहां आया, यहां आने के बाद फिर यहां गया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट एफ कर देगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, करने के बाद फिर आई को आई प्लस प्लस करेगा, मतलब 1 को 2 कर देगा, फिर करने के बाद कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन 10 है, यस, तो 2 को प्रिंट कर देगा, इसी तरह पूरा प्रोग्राम चलेगा, कोई एरर नहीं आएगी, ये चीज उसने स्किप कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये वाला सेमी कॉलन, 2 सेमी कॉलन होने ही चाहिए, सिंटैक्स ये कहता है, ठीक है, तो आप इनिशियलाइज यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। एक और वेरिएशन क्या हो सकता है, इसी प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो जो ये आई प्लस प्लस हम यहां कर रहे थे वो आई प्लस प्लस की जगह पे हम यहां पे आई इज इक्वल टू
आई प्लस वन यहाँ पे भी कर सकते थे, तो ये करेगा फिर ये करेगा फिर यहाँ आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा फिर यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है बट सेमी कॉलन लगे हैं, ये वाले जो काम होते थे वो हमने कहीं और करा लिए हैं, तब भी प्रोग्राम हमारा चलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं और आप आउटपुट गलत दे देते हो। उन्होंने चार ऑप्शंस में जरूर दे रखा होगा एरर इन द प्रोग्राम, सिंटैक्टिकल एरर। ठीक है, तो ये दे रखा होगा, नो आउटपुट दे रखा होगा, जबकि 1 to 10 वो प्रिंट करेगा। तो ये वेरिएशन हो गया इसमें फॉर लूप में। और क्या हो सकता है इसमें वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएशन और होता है, जैसे हमारा फॉर लूप है, यहां हमने क्या किया आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन आई प्लस प्लस लेस देन 10, ओके, और यहां पे सेमी कॉलन लगाया उसके बाद कुछ नहीं लिखा, फिर फॉर लूप यहां आए, सिंपली क्या किया प्रिंट कर दिया क्या परसेंट डी, क्या प्रिंट कर रहा आई की वैल्यू प्रिंट कर दी और हमने ये बंद कर दिया। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है, हमें 1 to 10 प्रिंट करना है ना, ओके 1 to 10 प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे काम करेगा, 1 to 10 कैसे प्रिंट करेगा। देखो आई इज इक्वल टू 0 मीन्स, सॉरी यहाँ पे इंट आई उसने कर रखा होगा। ठीक है, तो आई का मतलब होगा यहाँ पे एक डब्बा 100 एड्रेस पे बना हुआ है, आई आया यहाँ पे आई की वैल्यू उसने 0 कर दी। 0 करने के बाद यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पे आप देखोगे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि ये जो आई प्लस प्लस होता है इसका क्या मतलब होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। एक बार और देख लो, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट यूज द वेरिएबल जो कि उसकी ओल्डर वैल्यू थी ना उसी के साथ उसे यूज कर लो, यूज द वेरिएबल विद ओल्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जब उसको आप कंडीशन में यूज कर लेंगे पुरानी वैल्यू को, जब वो कंडीशन ओवर हो जाएगी यहां पे आ जाएगा सेमी कॉलन के पास, तब वो क्या करेगा, वो इस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट यूज द वेरिएबल विद ओल्डर वैल्यू, पुरानी वैल्यू के साथ उस वेरिएबल को यूज कर लो, कंडीशन चेक कर लो, जब वो पूरी कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद सेमी कॉलन आएगा, उसके बाद क्या करेगा आई की वैल्यू को जाकर इंक्रीमेंट कर देगा। तो कंडीशन चेक की, क्या 0 हमारा 10 से छोटा है, वो कहेगा यस डेफिनेटली छोटा है, छोटा है तो जब सेमी कॉलन से यहां करने के बाद जब यहां आने लगेगा तो क्या करेगा 0 को 1 कर देगा, क्योंकि आई प्लस प्लस हमने लगा रखा था तो 1 कर देगा और इसको प्रिंट करेगा फिर। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी आई की, 1 हो चुकी है तो 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप ये भी समझ गए होंगे क्यों हमने 0 किया, क्योंकि हमें 1 से 10 प्रिंट करना है, तो आई को 0 किया और यहां लेस देन जो इक्वल टू 10 लगा रहे थे आप, सिर्फ लेस देन 10 किया। ठीक है, तो 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक जाना है बट 10 से पहले रुक जाना है। लेस देन 10 किया मतलब क्या, 9 तक जाएंगे, तो 0 to 9 टाइम्स चलने का मतलब क्या हो गया, 0 + 1 + 2 कितने 10 टाइम्स हो गया, तो लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा। और प्रिंट हमें 1 से करना था, प्लस प्लस लगा रहे थे इसका मतलब ये था प्रिंट करने से पहले ही वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो जब 1 हो गई होगी तो उसे प्रिंट कर रहे हैं तो वो 1 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमारा 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया कि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने इंक्रीमेंट वाले पोर्शन में कुछ नहीं किया, इंक्रीमेंट वाला जो काम था वो हमने कंडीशन में ही करा लिया। ठीक है, तो जब प्रिंट करने के बाद सीधे कहाँ जाएगा, वो यहाँ आएगा, देखेगा यहाँ कुछ भी नहीं तो कंडीशन में आ जाएगा। अब कंडीशन में आएगा तो पहले ही जो इंक्रीमेंट वाला काम हो चुका है। ठीक है, मेन चीज यहाँ सेमी कॉलन जरूरी है, ओके, कोई एरर नहीं देगा, आउटपुट सही आएगा, 1 to 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जो इंक्रीमेंट वाला ये काम है
जो इंक्रीमेंट वाला ये काम है, ये आप यहाँ सेमी कॉलन होगा, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं लिख रहे। इंक्रीमेंट वाला जो काम है वो कैसे करा लो, प्री इंक्रीमेंट करा लो। अगर आप प्लस प्लस आई लिख देते हो, ठीक है, तब भी ये काम सही करेगा। प्लस प्लस आई पहले इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो प्लस प्लस अगर आई कर दोगे और लेस देन 10 होगा तो कैसे काम करेगा। आप देखो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, जीरो है। यहां पे आया, आई की वैल्यू उसने देखा जीरो, तो उसने जीरो यहां डाल दिया, ठीक है। यहां आया, ये क्या है, ये है हमारा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिटेल में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे अगर बताने पर भी डाउट लग रहा है तो पिछला लेक्चर देख सकते हो, व्हाइल लूप वाला वो लेक्चर, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट इंक्रीमेंट करो देन यूज करो। मतलब प्लस प्लस आई है, इसका मतलब आगे बढ़ने से पहले ही, पहले वो आई पे आएगा, आई को वन इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, वन लेस देन 10, यस, अगर लेस देन 10 है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू क्या हो गई है, वन, इसलिए वन प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगली बार मान, फिर यहां के बाद कहां जाएगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा तो कंडीशन में आएगा, फिर प्लस प्लस आई है तो पहले आई को आप यहां टू कर देगा ये, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा तो टू लेस देन 10, यस, तो 2 को प्रिंट कर देगा। इसी तरह पूरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा और 1 टू 10 प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आपने देख लिया पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट हम लोग कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ वेरिएशंस फॉर लूप के, इनसे ज्यादा वेरिएशन और नहीं कर पाता कोई भी, ठीक है, वो प्रोग्राम इससे ज्यादा आपको टफ नहीं देगा। और एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर लूप में कि अगर आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं इस फॉर लूप में तो कैसे करेंगे, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, अगर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन आप करना चाहते हैं कैसे करेंगे। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लो मेन प्रोग्राम लिखा और वहां क्या कर दिया, हमें जैसे दो वेरिएबल की जरूरत है, एक वेरिएबल आई हो गया, एक वेरिएबल जे हो गया, तो यहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर कर दिया कि आई और जे इंट टाइप के हैं, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना इनिशियली। तो इसका जैसे फॉर लूप अगर हम लोग लगाना चाहें तो कैसे फॉर लूप लगाएंगे, यहां पे हम क्या करते थे, तीन पार्ट होते थे फॉर लूप में, ठीक है, ये तीन पार्ट होते थे। तो हमने कि यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें दो आई और जे दोनों वेरिएबल की जरूरत है तो हमें आई और जे दोनों यहां पे इनिशियलाइज करना होगा। तो आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू मान लो हमें वन इनिशियलाइज करना है, कॉमा j इज इक्वल टू मान लो हमें टू इनिशियलाइज करना है, ठीक है। क्या हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो एक पार्ट था पहला पार्ट, उसमें हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग कॉमा, कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप अगर मल्टीपल वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना चाहते हो तो कॉमा यूज करके आप इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड वाले पार्ट को देखो, यहां पे हम क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे, जैसे आई और जे दोनों की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है तो कैसे करोगे, आप लिख सकते हो आई प्लस प्लस कॉमा जे, प्लस प्लस करना चाहते हो तो प्लस प्लस कर लो, माइनस माइनस करना चाहते हो तो माइनस माइनस कर लो। सिंपली बात ये है, कंक्लूजन ये है कि दो वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं एक ही फॉर लूप में, एक ही जगह, यूजिंग कॉमा। तो
तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई कि कॉमा यूज करके आप मल्टीपल वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कंडीशन वाला पार्ट है इसमें क्या हम लोग कॉमा यूज कर सकते हैं? कंडीशन वाले पार्ट में क्या हम कॉमा यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसमें आप कोई एक से ज्यादा कंडीशंस कॉमा देके यूज नहीं कर सकते। फिर अब क्या करें, तो इसका इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है। हमने आपको पढ़ाया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले जो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार वो लेक्चर देख सकते हैं, फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूं यहां कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे। जो हमारा एंड ऑपरेटर था, ठीक, जो हमारा और ऑपरेटर था, या हमारा नॉट ऑपरेटर था, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते थे। इनका यूज हम कहां कर रहे थे? जब हम लोग इफ में कंडीशंस लगा रहे थे, तो जैसे हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी होती थी तो बीच में हम लोग या तो एंड ऑपरेटर लगा देते थे या फिर और ऑपरेटर लगा देते थे। ठीक है, तो यहां भी क्या करोगे, मान लो आपको एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, मान लो दो कंडीशन लगानी, सी वन और सी टू, मतलब आई लेस देन फाइव या जे लेस देन टेन, अगर आपको ये दो कंडीशन लगानी है तो कैसे यहां पे लगाओगे? तुम चाहते हो कि दोनों चीज फुलफिल हो, दोनों चीज फुल चेक करनी चाहिए, तो क्या करोगे बीच में, ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या करोगे, एंड ऑपरेटर, एंड एंड दो बार लिखोगे, ये एंड ऑपरेटर लग गया। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस इसमें लगानी है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके आप कंडीशंस मल्टीपल लगा सकते हो, चाहे एंड एंड यूज करो, अगर दोनों में से एक कोई कंडीशन चेक करानी है तो आप और यूज कर लो, सी वन सी टू के बीच में और लगा दो। ठीक है, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। ओके, इनका यूज अभी आएगा जब आप लोग मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग करोगे कि मैट्रिक्स कैसे प्रिंट कराते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का, इवन बीटेक में भी बहुत लैब वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, आगे इनका यूज आएगा, हम लोग मैट्रिक्स वगैरह के प्रोग्राम देखेंगे तो ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इन पे अगर प्रोग्राम वगैरह करना होगा तो मशीन के बना के हम देख लेंगे। बाकी हमने वो यशवंत कानिप का बुक और वो सब थॉरली कवर कर लिया है, आपको अगर अब रेफरेंस के लिए देखना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अब आप चाहो तो उनकी जो एक्सरसाइज है वो आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी मैं देखूंगा, तो जो उसका सोल्यूशन है मैं वो सोल्यूशन करके आपको कोई वीडियो बना दूंगा, तो उसमें सारा सोल्यूशन एक्सरसाइज का दे दूंगा। ठीक है, ओके।